Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आदाब अर्ज़ नाज़रीन, बहराने रहमत में इफ्तार के बाद के सेगमेंट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज 22वें रोजे का शब है। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम तीसरे अशरे में आ चुके हैं और ये अशरा जहन्नुम की आग से निजात पाने वाला अशरा है। इस अशरे में जितनी नेकी करें, जितना सुभान अल्लाह ताला का जिक्र करें, उतना कम है। और जब नेकी की बात आती है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि हमारी जितनी हैसियत है, हमसे जो कुछ हो सकता है, हम ना सिर्फ अपने ये अपनी फैमिली के लिए लेकिन सबके लिए करें। जितना हम दे सकते हैं वो कम है, इसलिए कोका कोला ने एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव निकाला है। मैं पूरे दावे से कह सकता हूं कि आप सब इससे वाकिफ हो ही चुके हैं, क्योंकि हम एक फैमिली बन चुके हैं और मुख्तलिफ चैनल्स ने बार बार ये कमर्शियल भी आपको दिखाई है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब के जाने के बाद ईदी फाउंडेशन को जितनी कंट्रीब्यूशन, जितनी डोनेशन मिला करती थी, अनफॉर्चुनेटली वो मिल नहीं रही है। इसलिए कोका कोला ने एक बहुत ही नोबल इनिशिएटिव निकाला है। डोनेट करने के लिए बहुत ही आसान है, आपके स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है। ऑल यू नीड टू डू इज लॉग ऑन टू ed.org/bottleofchange। जितना आप देंगे उतना ही कोका कोला डोनेट करेगी। ये वाकई एक बहुत ही नोबल इनिशिएटिव है, तो तहे दिल से गुजारिश है कि जितना आपसे हो सकता है, क्योंकि बूंद बूंद से पानी बनता है, जो जिसकी हैसियत है, प्लीज 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 डोनेट कीजिए, बिकॉज यू नेवर नो आपकी डोनेशन से किसको क्या फायदा हो सकता है। इस अशरे में हम ये देखते हैं कि हम दुनिया में क्यों भेजे गए, हमारा यहां आने का मकसद क्या है, हमारे जीने का मकसद सिर्फ उस रब की अतात व इबादत है। जिक्र खुदा में डूब जाने वाले जिंदगी में कभी डूबा नहीं करते। बेशक बिल्कुल सही आपने फरमाया। और जैसे अली ने अभी जिक्र किया ईदी साहब का, ऐसे ही एक और काविश है सर्फ एक्सल की, जो हम उनके साथ हैं। नेकियां आप करते हैं, आप रोजा रखते हैं, रमजान आता है, हमें फिक्र होती है जी, हमने लोगों को हेल्प आउट करने की हमें फिक्र से ज्यादा अपने रोजे की फिक्र होती है कि हमने ये बनाना है, हमने ये करना है, हमने इफ्तारी करनी है, हर चीज़ की हमें फिक्र होती है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम छोटी छोटी नेकियों का ख्याल रखें, नेकियों में बहुत कुछ आ जाता है। आप किसी की हेल्प कर दें, किसी की मदद करें, किसी को रोड क्रॉस कराना, किसी को हंस के देखना भी एक नेकी है। तो प्लीज ये नेकियां करें, सर्फ एक्सल की एक काविश है और हम उनके साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अक्सर। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। रोजा कैसा गुजरा आपका? बहुत अच्छा गुजरा माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अलमास। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अस्सलाम वालेकुम सरवत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। बेशक जिक्र इलाही से दिलों को सुकून मिलता है। तो जी इब्तिदा करते हैं मल्ला मियां के नाम से। बिल्कुल। और हमें बताएं कि इन आखिरी ताक रातों में जितना जिक्र हम करें वो कम ही होता है, जिक्र ही करना चाहिए। हम जरूर इस पे तो बात करेंगे ही करेंगे। आज हमारा यही टॉपिक है कि हम कितना जिक्र करें इस अशरे को, जितनी इसमें नेकियां अल्लाह ताला की इबादत कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, वो करेंगे। चांस हमें पता नहीं अगले साल मिले ना मिले, तो प्लीज इसको अवेल करें। स्टार्ट करेंगे लेकिन हम पहले एक हम सुनना चाहेंगे, तो हमसे स्टार्ट करते हैं। अलमास, अगर आप रेडी हैं तो आप हमें हम और अगर आपकी इजाजत हो अलमास, आपके हमसे पहले हमारे दूसरे मेहमान भी आ चुके हैं, तो उनको भी बुला लेते हैं। फरहान भाई को भी बुला लेते हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फरहान? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल। खैरियत से भाई जान? तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए जी। जाने वाला हर एक लम्हा देता है पैगाम, जाने वाला हर एक लम्हा देता है पैगाम, हर शैफानी इस दुनिया की, हर शैफानी इस दुनिया की, बाकी तेरा नाम मौला, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु,
तू खालिक है मालिक मौला, तू रहमान रहीम। तू खालिक है मालिक मौला, तू रहमान रहीम। सारी सिफात में वाहिद ओ गालिब, सारी सिफात में वाहिद ओ गालिब, तेरी जाते कदीर मौला। अल्लाह 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 हो ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह 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 माशाल्लाह। वो जुबान कितनी पाकीजा है जो हर वक्त जिक्र इलाही में मशगूल रहती है। वो दिल कितने पुरनूर हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार है। फरहान भाई, आप हमें अब ज्वाइन कर चुके हैं, कैसा रहा आपका दिन? अल्हम्दुलिल्लाह, बस आज दिन की सारी मसरूफियत, क्योंकि आज जुलूस भी था मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत का और बाकी जितने भी टेलीविजन हैं उस पर आज ही के दिन के मुनासबत से जो है वो प्रोग्राम्स भी थे। और आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि काफ़ी थक गए जी। आज के दिन बाज़ार ज़्यादा मसरूफियात होती हैं और फिर जज्बात पे भी कंट्रोल नहीं होता, जुलूस में शिरकत होती है, वहाँ भी पैसा देना होता है, उस वजह से थोड़ा बेशक बेशक बिल्कुल। आप जैसे कि बताया कि अब हम जिक्र करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये जो अशरा है इसमें अल्लाह ताला की जितनी, मतलब वैसे भी मेरा ख्याल है पूरे रमज़ान हमें ये बात का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आखिरी अशरे के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ताक रातें शुरू हो गई हैं, क्या इबादत करें हम? कुरान पाक का नज़ूल हुआ है इस महीने में, तो हमें तिलावत कितनी करनी चाहिए? यहाँ एक और चीज़, मुझे मेरी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है मैं बुशरा, मुझे कह रही थी कि कभी भी गिनती के साथ कोई चीज़ ना पढ़ो, जितना कसरत से जो चीज़ पढ़ी जाए वो अच्छी होती है। बेशक जी, बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में और तमाम हाज़रीन महफिल की खिदमत में सलाम पेश करती हूँ इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम हमको हज़ारों बरकतें, हज़ारों रहमतें, हज़ारों सआदतें जो इस माह रमज़ानुल मुबारक की हम अपने दामन में समेट सकें, और ये रुख़सत होता हुआ माह रमज़ानुल मुबारक हमें हमारे मंजिल मकसूद तक पहुँचा दें। अब हमारा मंजिल मकसूद क्या हो सकता है? यकीनन इससे बढ़कर इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि हमारा मंजिल मकसूद रज़ाए परवरदिगार आलम है, लक़ाए परवरदिगार आलम है। तो जब अल्लाह की रज़ा की खातिर कोई भी काम किया जाता है, कोई भी कदम उठाया जाता है, तो जैसे कि माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से आपने गुफ्तगू फरमाई आमना और अली भाई, हम हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि पाक परवरदिगार आलम का एहसान है कि उसने हमें एक नया रमज़ानुल मुबारक अता फरमाया, हमको दोबारा ये नूरानी साअतें अता फरमाई और हमारी ज़िंदगी में इतनी बरकत अता फरमाई कि हम एक मरतबा फिर इन सआदतों से बराबर हो सकें। अब वो माह रमज़ानुल मुबारक जो कि मग़फ़िरत के लिए है, वो माह रमज़ानुल मुबारक जो कि कुरान मजीद की बहार का महीना है, वो माह रमज़ानुल मुबारक जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, उस माह मुबारक के तीसरे अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं। पहला अशरा अल्हम्दुलिल्लाह हमने साथ खैरियत के गुजारा, दूसरा मग़फ़िरत का भी हम गुजार चुके हैं, और जो कुछ पहले अशरे में हमने इबादतें कर सके वो
की जो नहीं कर सके उसे हमने दूसरी इबादतों में आगे बढ़ाया। और उसके बाद अब तो ये आखिरी दिन है, गिने हुए दिन है और काउंट डाउन स्टार्ट हो चुका है। एक एक दिन करके हम माह रमजान मुबारक के इख्तिताम की जानिब बढ़ते चले जाएंगे। इसमें ताक रातों का बड़ी खसूसियत के साथ तस्करा आया है, यानी 19, फिर 21, फिर 23, फिर 25, फिर 27, फिर 29, यानी वो 29 की रात जो कि कभी चांद रात होती है, कभी नहीं भी चांद रात होती है। तो इन ताक रातों के अलहदा से अमाल हैं, अलहदा से वज़ायफ़ हैं, अलहदा से दुआएं हैं और परवरदिगार आलम को महबूब ये रातें हैं, पसंदीदा ये रातें हैं कि इन रातों को परवरदिगार आलम के हुजूर में गुजारा जाए, जिक्र इलाही में गुजारा जाए। हमारे यहाँ आमना होता यह है कि हम पूरी 29 दिन की इबादत को 29वीं रात कर देते हैं, यानी 29वीं रात को चांद रात को बाजारों में निकल गए और पूरी रात को बाजारों में गुजार दिया। लेकिन वो रात भी हमसे वैसे ही तकाजा किया करती है जैसा कि हमने शबे 21 और शबे 23 और शबे 25 और शबे 27 की हमने इबादतें की हैं, बिल्कुल वैसे ही 29 की रात भी। मगर आपा, मैं आपकी बात काट नहीं रहा हूँ, यहाँ पर 29वीं रात को जैसी चांद रात होती है तो सब माए अपनी बेटियों को ले जाती है और कहती है कि मेहंदी लगवाएंगे, चूड़ियां। आपने अभी जिक्र कर रही है, अच्छा उससे भी इनकार नहीं है। जाहिर ईद उल फितर है, परवरदिगार आलम की जानिब से हमें एक ब्लेसिंग दी गई है कि 29 या 30 रोजे रखने के बाद इस कदर ये रूहानियत है, ये तस्किये नफ्स है, नूरानियत है। 28 ये जो बात करी ना, 28 की रात की करेंगे, 28 और 29 के दरमियान जो चांद रात तो 29 का दिन गुजारने के बाद फिर आती है। अगर अगले दिन हो तो अल्लाह ताला ने हर चीज का इंतजाम कर रखा है, इबादत में भी खलल ना आए और ये और खुशियों का भी और खुशियों का इंतजाम करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जैसे माए जाती है ना कि बेटियां मेहंदी लगाए, तो करोड़ दर्जा माँ से मोहब्बत करने वाला परवरदिगार रास्ता जरूर। तो फिर इसी खुश बात पे आपसे एक कलाम सुन लेते हैं भाई जी, जरा माइक देंगे प्लीज। नाते रसूल जी, बहुत शुक्रिया। आप सब प्लीज एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। आवाज चूंकि आज खस्ता हुई भी है तो इसी आवाज के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए इंशाल्लाह। और हौसला अफजाई भाई और बहनों प्लीज। पाए बख्शीश यही सौगात ले कर आ गया हूँ, पाए बख्शीश यही सौगात ले कर लबों पर मुस्तफा की नात ले कर आ गया हूँ। मैं कुछ अशआर लाया था सनाए मुस्तफा में, मैं कुछ अशआर सनाए मुस्तफा में, सभी समझे सभी समझे कि मैं आया तले कर आ गया हूँ। लबों पर मुस्तफा की नात ले लगता है कि ले आया हूँ सूरज सितारे, ये लगता है कि ले आया हूँ सूरज सितारे, मदीने से मैं जो जर्रा ले कर आ गया हूँ। लबों पर मुस्त
मुस्तफा की नात ले कर आ गया हूँ। और हम मुसलमानों का साहिब ईमान है, हम सबका क्या ईमान है, ईमान है रहेगा हश्र तक अब मेरी तुर्बत में उजाला। और क्यों रहेगा उसकी दलील पेश करो, रहेगा हश्र तक अब मेरी तुर्बत में उजाला। चराग़े इश्क अहमद साथ ले कर आ गया हूँ। लबों पर मुस्तफा की नात ले कर आ गया हूँ। इस कलाम के शायर शायर नूर अली साहब और बल्कि एक ऐलान भी आज टीवी की तरफ से पता चलूँ कि इंशाअल्लाह कल या परसों इंशाअल्लाह कोशिश हमारी की होगी एक नई नात मैंने रिकॉर्ड की है, इंशाअल्लाह कल या परसों रिलीज हो जाएगी। और मैं इंशाअल्लाह यहाँ पर अभी कुछ दिन और हूँ तो इंशाअल्लाह यहाँ पर भी वो नया कलाम आपको सुनाऊंगा। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पहली बार टेलीविजन पर यही सुनाएंगे इंशाअल्लाह। जबरदस्त, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। इसी प्यारे ऐलान से कि फरहान भाई जिन्होंने ये नई नात रिकॉर्ड की है यहाँ आज एंटरटेनमेंट पर पहली बार हमारे नाज़रीन के लिए सुनाएंगे, इसी ऐलान के साथ हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। वील बी राइट बैक। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं बरान रहमत में। आप देख रहे हैं यहाँ बहुत खूबसूरत सी महफिल है और हम बहुत जिक्र कर रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, सूरह अहज़ाब में इरशाद पाक है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह को कसरत से याद करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह पढ़ो। जितना आप कसरत से अल्लाह ताला को याद करेंगे है कोई आपके पीछे नहीं लगा हुआ, आप किसी के मुकाबले में ना पढ़ें, जितना आप पढ़ सकते हैं जितने नफल और सच्चे दिल से हम सच्चे दिल से अली बिल्कुल आप ही ना समझें कि अगर अली 20 नफल पढ़ रहे हैं तो वही अगर आप नहीं पढ़ सकते आप दो भी पढ़ लें, जरा सा एक आंसू आपका निकल आए ना तो वो भी एक इबादत है और अल्लाह ताला कबूलियत करते हैं। मैं आपकी अगर आप जी 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 शो अपना हो नहीं नहीं मैं यही से आपकी बात एक और बात कि जैसे फर्ज नमाजें हैं वो तो मैं हाल में अदा कर जी, लेकिन अल्लाह ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक दिन कहा था कि ऐ रसूल इतनी ज्यादा इबादतें ना करो, दुखन हो जाए, थक जाओ, मुझे गवारा नहीं। तो यही पैगाम अल्लाह हमें भी देता है कि इबादत उतनी की जाए, यानी जो फर्ज है आपका वो तो आप अदा करें। कभी कभी ऐसा होता है हम इतनी नवाफिल पढ़ लेते हैं इतनी, तो एक जब हमारी रूटीन बन जाती है, जब एक दिन फिर हम नहीं पढ़ते ना तो फिर फर्ज भी हमसे रह जाती है, वो भी रह जाती है। आप बिल्कुल ठीक है। एक और नुक्ता देना चाहती हूँ, एक दफा इमाम मासूम के पास एक शख्स आए, उन्होंने कहा कि फरजंद रसूल मैं कभी बड़ा मुतासर होता हूँ कि फला शख्स इतने रोजे रख रहा है, इतनी नमाजें पढ़ रहा है। जैसे ये हमारा और आपका मसला है ना, हम किसी से बड़ा मुतासर होते हैं, वो हर साल हज करने जाता है, वो हर साल उम्रे करने जाता है, वो इतनी रोजे नमाजें। इमाम मासूम ने फरमाया का ये नहीं देखो कि वो कितना अमल करता है, कितनी कसरत से करता है, बल्कि ये देखो कि उसके अंदर तकवा है कि नहीं। अब वो हैरान रह गया, उसने कहा फरजंदे रसूल ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स जो कि नमाजें भी पढ़ता हो, रोजे भी रखता हो, कसरत से जिक्र भी करता हो, उसके अंदर तकवा ना हो, ये कैसे मुमकिन है? तो उन्होंने इरशाद फरमाया, कहा कि तकवा होने का मतलब यह है कि इंसान बहुत सारी मर्तबा बहुत सारी चीजों पर अमल करता है लेकिन गुनाहों के सामने सरेंडर कर जाता है। बहुत सारी मर्तबा इंसान के सामने सरेंडर नहीं करता, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर एक इस्तेकामत होनी चाहिए, एक अमल के लिए हिम्मत होनी चाहिए। आप वैसे जाकिर बने जो जिक्र परवरदिगार आलम को पसंद है, रब्बुल आलमीन को वो जिक्र नहीं पसंद है कि जो हम करते रहे ना हमारी रूह साफ हो, ना हमारा बातिन पाको पाकिजा हो, ना हमारे हाल में कोई फर्क आए, बल्कि अल्लाह ताला को वो जिक्र पसंद है कि जो आपका जाहिर और आपका बातिन दोनों पाको पाकिजा। इसी बात पर मुझे याद आता है कि अम्मी ने मुझे समझाया था कि बेटे जिक्र हमेशा करना चाहिए,
चाहिए और ये नहीं कि सिर्फ जानमाज पे बैठ के जिक्र करें. तो मेरी आदत है कि जब मैं एक्सरसाइज करने जाता हूँ और जब मैं पार्क में वॉक कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, अगर एक घंटे की वॉक है तो मेरे जहन में एक रूटीन है कि इतना जिक्र करना है, वो एक आदत सी बन गई है. तो वो ऑटोमेटिकली गाड़ी में आप जा रहे हैं, ट्रैफिक में आप स्टक हो जाए, अक्सर तस्बीह पढ़ ले, आप जहाज में बैठे, जहां मौका मिले अगर आप जिक्र करें सच्चे दिल से कर ले, दैट्स ऑल दैट मैटर्स. मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि हम उमूमन देखते हैं, मैं अपनी भी बात करती हूँ कि मैं घर का काम करती रहती थी, जिक्र इलाही करती पढ़ते रहे, कुछ भी जिक्र इलाही करते रहे. उसके बाद जब मैंने एक हदीस पढ़ी कि एक औरत जो अपने उमूर खानादारी में मसरूफ होती है, यानी शौहरदारी में मसरूफ होती है, अपने बच्चों को पालने में मसरूफ होती है, और उसके साथ वो जिक्र इलाही करती है, तो परवरदिगार आलम उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है. ये निहायत अजर और सवाब की मंजिल है कि आप अपने फराइज को अदा करते हुए, ये मतलब नहीं है कि आप अपने तमाम तर फराइज को छोड़कर आप तस्बीह पकड़कर और मुसल्ला इबादत पर बैठ जाए. परवरदिगार आलम को ऐसा तर्ज जिंदगी नहीं पसंद. साथ साथ आप भी माशाल्लाह घरदारी भी आप करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह. नहीं, इस साथ में जैसे हम ट्रांसमिशन करते हैं तो बहुत सारे लोग ही समझते हैं कि शायद इनकी जिंदगी में नमाज नहीं, रोजा नहीं, कुरान नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीजें भी हैं, फिर अमूर खानादारी भी, और साथ में ये भी एक परवरदिगार आलम की अता करदा ड्यूटी है, इसको भी पूरा करना है. अब अल्लाह जो है ना, अल्लाह ने जितनी चीजें गुनाह करार दी उससे अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है, उससे सिर्फ बंदे का नुकसान हो रहा है. और जो चीज़ें अल्लाह ने सवाब करार दी कि इसका ये करने से सवाब मिलेगा, उससे अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खालिस्तन बंदे का फ़ायदा है. एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जब हम सुबह अक्सर जो हमें प्रॉब्लम होती है स्कूल लाइफ में, सबके साथ होता था, मेरे साथ भी, सर्दी के दिन है, सुबह उठा नहीं जा रहा, लेकिन माँ बाप उठाते थे, हमें होती थी तकलीफ, ठीक है, लेकिन उस पर पसे पर्दा हमारी क्या होती थी, हमारी भलाई होती, हमारी, लेकिन वो सख्ती लगती थी हमें, जिसमें हमें मजा आ रहा होता, माँ बाप का थोड़ी कोई नुकसान हो रहा होता, नहीं, हमारा नुकसान हो रहा था, हमें फायदा में उठाते थे, सोएंगे तो नुकसान होगा. इसी तरह कभी कभी आप देखते हैं कि माँ बाप जो है डांटते हैं, या मैं जैसे माँ बाप कहते हैं टांगे तोड़ दी जाएंगे तुम्हारी अगर बाहर नंगे पैर देख लिया. अब वो टांगे नहीं तोड़ेंगे बेसिकली, वो सिर्फ आपको डरा इस ले रहे हैं ताकि आप नंगे पैर ना जाएं, आपके पाँव में कांटा ना चुभ जाए, जख्मी ना हो जाएं. अल्लाह ने भी इसी तरह हमारे लिए गुनाहों से हमें डराया हुआ है, वरना अल्लाह कभी नहीं चाहता कि उसका बंदा दोजख में जाए. अल्लाह चाहता ही है कि रहमत रहे, अपने लिए मुंतखब करते हैं, जन्नत भी हम अपने लिए, हमारे अपने अमाल, हमारे अमाल हैं, वरना अल्लाह कभी भी किसी को दोजख में तो करीम और रहीम, करीम और हमने अल्लाह को, अल्लाह देखें. यहाँ एक कॉल, अगर टाइम है मौला का एक कॉल है, और आपसे मैं इस्लाह भी चाहूंगा अगर मैं कहीं गलत हो जाऊँ. मौला अली अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपने रब को पहचाना, जिसने अपने नफ्स को पहचाना, अपने रब को पहचाना, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना. इस कॉल पर एक बहुत अच्छे फिलोसोफर गुजरे हैं, मैक्सिम गोर्की, उन्होंने एक तहरीर लिखी थी, वे ख्वाजा रफीकन जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने मुझे बात सुनाई थी और मुझे अब तक नक्श है वो मेरे जहन पे. कहते हैं मैक्सिम गोर्की, लिखते हैं कि मुझे मेरे नाना का खुदा पसंद नहीं है, मेरी नानी का खुदा पसंद है. इसकी तफसीर उन्होंने लिखी कि मेरे नाना जो है ना, जब भी दुआ करते थे तो कहते थे या कहार या जब्बार, और उसके बाद उनका जो उनका रवैया था वो थे बहुत सख्त, सख्ती करते थे, बहुत डांटते थे. और जो मेरी नानी थी उनका खुदा मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि नानी जो है ना हमेशा दुआ करती थी या रहमान या रहीम या करीम, और नानी थी भी बहुत रहमदिल, शफीक और मेहरबान. तो इससे साबित होता है कि हमने अपने अल्लाह को सिर्फ जब्बार और कहार समझ लिया कि अल्लाह ये कर देगा, लेकिन अल्लाह इतना करीम है, अगर आप उस गुना पर नादिम हो जाएं और ये इरादा करने के आइंदा उस वो गुना नहीं करेंगे, तो जितना भी बड़ा गुना होगा, हम कहते हैं गुनाह कबीरा अल्लाह कभी नहीं माफ करेगा, अल्लाह ही ने सब उसूल बनाए. अगर आप सिदके दिल से नादिम हो जाएं तो अल्लाह के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, हर गुना माफ कर देगा अल्लाह, अगर अल्लाह चाहे. अल्लाह ना चाहे तो आप जितनी इबादतें कर ले कोई फायदा नहीं. और कभी कभी ऐसा होता है आपकी हजार इबादतें जाया हो जाती है किसी एक खराब अमल की वजह से, और कभी कभी आपकी हजार गुना धुल जाते हैं सिर्फ एक छोटे से नेक अमल. बेशक बेशक बेशक. और ये फरहान की जो बात थी से एक और बड़ा खूब
कि अस्माए हसना यानी अल्लाह ताला के जो पाक पाकीज़ा नाम है उसमें से बेहतरीन नामों का इंतखाब करना चाहिए। या जब्बारो या कहारो, ये इंसान के दिल के अंदर सख्ती पैदा करते हैं। अगर आप अल्लाह को या रहीमो या करीमो कहकर पुकारेंगे तो आपका दिल भी नर्म होता है, आपका दिल के अंदर खुशू और खुजू पैदा होता है, तवाज़ो पैदा होती है। लिहाजा हमेशा रब्बुल आलमीन को बेहतरीन नामों से पुकारना चाहिए। फरहान भाई, आज 21वीं रमजान गुजरी है, मौला की शहादत थी, यकीनन आप जुलूस में शामिल थे, तो आपका आज का दिन कैसे गुजरा? आज बस ये कि एसआईटी ट्रांसमिशन के बाद मैं घर आके थोड़ी देर के लिए सोया था और उसके बाद बस पे जो ट्रैफिक आज बहुत ज्यादा था रोड्स पे, क्योंकि ये एमएजिन और पूरा ब्लॉक था। लेकिन वहां पहुंचने के बाद सर ही सर लोगों के नजर आए, अदारों के, और इस गर्मी के आलम में भी मैंने ये देखा कि लोग अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, माजूर भी आए हैं। कुछ लोग जिनकी गर्मी की शिद्दत बढ़ रही थी वो रुमाल गीला करके सर पे रख कर आए थे, लेकिन आए ज़रूर थे। और ये इस बात की दलील है कि कोई मौसम, कोई भी वक्त, कोई भी इलाका हो, जहाँ जिक्र अली छेड़ा वहाँ दीवाने आए बैठे। इसलिए कि जो गरीब नादार भी आए हुए थे, माजूर भी आए हुए थे, इसलिए आए थे कि जब ये घर पे बैठ के दुआ करते हैं ना, तो मौला मुश्किल कुशा के साथ के अल्लाह इनकी दुआ सुनता है, मौला मुश्किल दुआ सुनते हैं, इनकी हाजत रवाई करते हैं। तो फिर जब मौला शहीद हो जाए तो हम सब लोग, हर मकातिब फिक्र का शख्स ने शिरकत की, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो मुसलमान भी नहीं थे लेकिन उन्होंने भी शिरकत की। कोई पानी की सबील लगा रहा है, कोई माजूर की व्हील चेयर चला रहा है, और ये सब तरबियत हम से मौला अली अलैहि सलाम से, क्योंकि मौला अली अलैहि सलाम ने हमेशा 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 गरीब नादार मिस्कीन की मदद की। यानी खुद भूखे रहते थे, गरीबों को पेट भर के खाना खिलाते थे। जेडीसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बहुत नेक काम कर रही है, उन्हीं के कैंप पे मैंने नौखानी की थी। तो उन्होंने अभी एक हॉस्पिटल का मुझे जिक्र किया कि आप, तो हॉस्पिटल के लिए मैंने ऐलान किया कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनने वाला है। लेकिन आज का दिन ऐसा है कि जैसे हमारे वालदैन होते हैं ना, कोई जो मिशन लेकर चलते हैं, जब उनका इंतकाल हो जाता है तो उनकी औलाद जो है उस मिशन को आगे लेकर चलती है, लोगों की तवक्को होती है। तो फिर ये जो हमारे मौला हैं, जो मौलाए कायनात हैं, जब ये शहीद हो गए तो हम पे वाजिब है जो काम सोशल मौला किया करते थे वो हम करें। और ये नहीं कि साहब आप ईदी सेंटर में जाकर अतियात दें या जेडीसी में दें, आपके घर में जो भी आए कितनी अच्छी बात, आपको दे देना चाहिए। अब यहाँ सवाल पैदा होता है, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलाम से किसी ने सवाल किया, या अली ये बताइए हम किसी की मदद करें, ये कैसे पता चलेगा कि उस बात का मोहताज था या नहीं? मौला कहते हैं तुम्हारे पास है, तुम दे दिया करो, अल्लाह पर छोड़ दो। अगर वो इस बात का मोहताज था, मुस्तहिक था, अल्लाह तुम्हें वो देगा जिसके तुम मुस्तहिक हो। अगर मुस्तहिक नहीं था तो अल्लाह तुम्हें वो भी देगा जिसके तुम मुस्तहिक नहीं हो। सुभानअल्लाह, खूबसूरत बात। कलाम सुनते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है अहमद रजा नासिर। अहमद नासिर, हाँ जी नासिर भाई। मौला अमीर की चांदा शाम में मुकबत की पेश करूँ। न भूल कर भी कभी तुम किसी की बात करो, न भूल कर भी कभी तुम किसी की बात करो। अली का जिक्र करो, अली की बात करो, न भूल कर। और किसी का नफ्स, किसी का वसी, किसी का कफील, किसी का नफ्स, किसी का वसी, किसी का कफील, ये सब सिफात हो जिसमें उसी की बात करो। और है वक्त नजर
بالی پا آئے ہیں مولا ہے وقت نزد کا بالی پا آئے ہیں مولا ارے کہاں کی موت بس اب زندگی کے بات کرو اور یہ عقیدہ پیش کر رہا ہوں اپنا کہ لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے لحد میں میری اندھیرا ہو غیر ممکن ہے ارے جہاں علی ہو وہاں روشنی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کر کبھی تم کسی کی بات کرو ہے وقت نزد کا بالی پا آئے ہیں مولا کہاں کی موت بس اب زندگی کی بات کرو صاحب کو وہ کلام یاد دلا دیے جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی زندگی بندگی روشنی آ گئی روشنی آ گئی آگہی آ گئی غسل میت نہ کہنا میرے جسم کو غسل میت نہ کہنا میرے جسم کو اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو وہ گھڑی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بھائی جان بہت خوبصورت اور امجد صابری بھائی کا وہ جو آخری کلام تھا جو انہوں نے پڑھا تھا ہے شخص گنبد والے ہاں منظور دعا کر وہ تاریخ قبر کا تذکرہ ملے گا تو میں نے ایک اس کا بند لکھا ہے وہ ضرور پیش کروں گی اور امجد بھائی کو ہی ان کے لیے ہی میں نے مجھے شاید موقع نہیں ملا لیکن آج میرے خیال میں ضرور سنیں گے تو میں ان کے لیے یہ پیش کر رہی ہوں جی 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 الباز بسم اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا داد نے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اور جس شعر کی میں بات کر رہی تھی وہ یہ ہے سماعت فرمائیے کہ سرکار کو دیکھتے ہی وہ جھوم اٹھا ہوگا جب وقت شہادت پر دیدار ہوگا اور تاجدار حرم نے کیا تجھ پر کرم ایسا امجد تیرے روزے کا
रखा है भरम ऐसा हम जद तेरे रोजे का रखा है भरम ऐसा तूने जन्नत में जाकर इफ्तार किया होगा जब वक्ते शहादत पर दीदार हुआ होगा ऐ सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नजाए आका दीदार अता करना। बहुत खूबसूरत इस अम्र की दलील है कि जो मोहम्मद और आले मोहम्मद से वाबस्ता हो जाता है वो दुनिया और आखिरत में जिंदा हो जावे। बिल्कुल पढ़ना कुछ था लेकिन ये है कि जो जिनको अल्लाह ताला जिंदा रखना चाहता है अपने नेक बंदों को वो इसी तरीके से मिर्जा दबीर साहब कहते हैं जो भी मसरूफ सलामे शहदा रहता है गो वो रहता नहीं पर नाम सदा रहता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी बात पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं।